हेलो एवरीवन, एक बार फिर से ममता ब्लॉग में स्वागत है। आप लोगों का बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ और ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा, तभी पता चलेगा मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास इतनी ऊन रखी थी, ये ऊन रखी थी तो मैं बनाऊँगी हाथ वाला पंखा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पंखे की ज़रूरत पड़ जाती है अगर लाइट ना आए तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बनाऊँगी हैंड फैन जैसा कि ये है, ऐसा बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा और जब ब्लॉग मेरा पूरा देखोगे तभी पता चलेगा कि कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया है मैंने। और ये मैंने मैरून ले लिया, इसमें ब्लैक से बना है, ब्लैक और ब्लू से। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास मैरून रखी थी तो मैं इससे बनाऊँगी। तो उससे उसके लिए मैंने ये ले ली है गोरी, जो कि खाद बीज वाली होती है ना, इसमें खाद खाद वगैरह आती है खेतों में पड़ती है, तो वो मैंने ले ली है। अब इसको मैं काटूँगी, पहले से भी ये पहले तो मैंने अच्छी तरह से इसे धो लिया था, तो ये पहले से भी और भी पंखे बनाए हैं तो उनके लिए मैंने काटे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं इसे पहले तो मैं काटूँगी अच्छी तरीके से, मुझे कितना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान है बनाना, अगर आप लोग चाहो तो बना सकते हो। ये तो बड़ा हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये मैंने काट लिया है, कितने पंखे के हिसाब से कितना होगा। चारों तरफ से उन्हें बराबर कर देती हूँ। इधर डंडी लगाई जाएगी और इधर पर इस पर मैं करूँगी कढ़ाई से सुई की मदद से। देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, बने रहिएगा आप लोग भी, कहीं जाइएगा नहीं। तो ये तो मैं बनाऊँगी हैंड फैन एक कलर से, वैसे आप चाहो तो दो कलर की ऊन भी ले सकते हो और दो कलर से और डिज़ाइन बन जाएगी, वो भी मैं बना के दिखाऊँगी अगले ब्लॉग में। ये तो अभी तो ये एक कलर का बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बनाओगे, अगर आप लोग बनाना चाहो तो आप ही बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं इसे बना रही हूँ और अगर आप लोग सीखना चाहो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को सीखना है, तो मैं सीखने के हिसाब से ये तो मैं आप लोगों को दिखा दिया है मैंने कि ऐसे ही बनाऊँगी मैं। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं वीडियो पूरे ही बनाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कट कट करके बनाऊँगी क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सीखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये मेरा बनकर तैयार है, थोड़ा सा रह गया है तो मैं अभी बना देती हूँ, उसके बाद इसमें साइड से जो मगजी और वो होती है ना डंडी, वो लगाऊंगी।
ऐसी ये डिज़ाइन मैंने बनाई है, दिख रही है आप लोगों को ये, देखिए मैं अभी इधर से दिखा दूँ। देखिए अब मैं इसे कंप्लीट करके, इतनी कढ़ाई होने के लिए रह गई है, इतनी और कढ़ाई करके उसके बाद मैं साइड से मंजी और ये लगाऊंगी, ये चक्का बोल क्या बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैं पूरी कढ़ाई करके इसके ये पूरा मिर्चा काट लूँगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं साइड से ये लगा के, तो वो अगले ब्लॉग में आएगा। देखिए फ्रेंड्स आप जो मैं साइड से लगाऊंगी मंगली वगैरह और ये चक्का ये लगाऊंगी वो सब ये अगले ब्लॉग में आएगा, और आज तो बस इतना ही। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सीखना है पंखा बनाना हैंड फैन, गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है तो पंखे की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें कुछ नहीं है, कुछ बाहर से नहीं लाना है, अपने जो वेस्ट मटेरियल है आपके घर पर वो थोड़ी बहुत तो पड़ी होगी ना, वो ना अगर हो गए अगर नहीं भी है तो फिर मार्केट से आप ला सकते हो, कुछ नहीं 20 रुपये की ऊन आएगी, वो 20 रुपये की ऊन लगेगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सीखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों को पंखा बना पूरा ही सिखाऊंगी मेजरमेंट। तो देखिए आज का ब्लॉग मेरा इतना ही, मिलूंगी अगले ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग में मैं इसकी फिनिशिंग लूँगी, जो साइड से मांगी और झालर वगैरह लगाई जाती है, झालर तो मैं नहीं लगाऊंगी, झालर में ज़्यादा टाइम लगेगा और कपड़ा भी होना चाहिए, लेकिन उतना मेरे पास कपड़ा नहीं है तो मैं यहाँ पर चक्का लगा दूँगी, तो वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, अगर मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।